जिससे जड़ों में गांठें बन जाती हैं और उनसे पानी एवं पोषक तत्वों का अवशोषण एवं प्रवाह नहीं हो पाता है, जिससे ग्रसित पौधे ज्यादा नहीं बढ़ पाते। भारत में नेमेटोड की समस्या को 1901 में दक्षिण भारत में उजागर किया गया था। इसके बाद भारत के विभिन्न वैज्ञानिकों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलों में नेमेटोड इन्फेक्शन की पहचान की। चूंकि नेमेटोड जमीन के अंदर रहते हैं, इसलिए आसानी से नजर नहीं आते। किसान नेमेटोड इन्फेक्शन के लक्षणों को पहचान नहीं पाते और उन्हें यह फफूंद लगना या पोषक तत्वों की कमी या पौधे की शारीरिक बनावट में कमी लगती है। इसकी वजह से भारत सरकार नेमेटोलॉजी विभाग के जरिए कई जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, जिनका उद्देश्य समेकित समाधानों के जरिए नेमेटोड के निवारण के बारे में बताना है, जिसमें नेमेटिसाइड का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलीहाउस के मामले में नेमेटोड की समस्या और भी ज्यादा है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां नेमेटोड के विकास के लिए सबसे अनुकूल हैं। इसलिए किसान के लिए फसल की सुरक्षा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उन्हें फसल जड़ से उखाड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। नेमेटोड समस्या की वजह से उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में नेमेटोड नियंत्रण का उपाय विषाक्त रसायन है। ये नेमेटोड नियंत्रण के लिए एक अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि इसमें दक्षता की कमी है, जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान होता है। नेमेटोड नियंत्रण के लिए एक क्रांतिकारी निवारण बायर प्रस्तुत करता है वेलम प्राइम, तकनीकी रूप से एक उन्नत नेमेटिसाइड। वेलम प्राइम नेमेटोड नियंत्रण के लिए एक नया उपाय प्रदान करता है। यह पहला ऐसा नेमेटिसाइड है जो किसानों की सेहत और प्रकृति को बिना कोई नुकसान पहुंचाए फसल की सुरक्षा करता है। बायर का वेलम प्राइम नेमेटोड नियंत्रण के लिए एक सतत और लंबे समय तक चलने वाला उपाय प्रदान करता है। ड्रेन सिंचाई या ड्रिप सिंचाई के जरिए जब इसे जमीन में डाला जाता है, तब ये पौधे की जड़ों पर सुरक्षा कवच बनाकर जड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके असर से नेमेटोड शक्तिहीन हो जाते हैं और सुई के आकार में आकर उनका अंत हो जाता है। इससे नेमेटोड लार्वा अंडों से बाहर नहीं आ पाते और जड़ों के नुकसान की रोकथाम होती है। सेहतमंद जड़ों से पौधे और फसल की उपज में अच्छी बढ़ोतरी होती है। बीमारी के होने की संभावना में भी कमी आती है, जो कि पहले नेमेटोड की अधिक संख्या में उपस्थित होने की वजह से होता था। प्रयोग की विधि। नेमेटोड कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट का काम करते हैं। वेलम प्राइम नेमेटोड के माइटोकॉन्ड्रिया के श्वसन श्रृंखला को रोकता है, जिससे नेमेटोड की ऊर्जा यानी एटीपी में तेजी से गिरावट आती है। वेलम प्राइम ऐसा पहला नेमेटिसाइड है जो कॉम्प्लेक्स द्वितीय के निषेध के जरिए काम करता है और नेमेटोड नियंत्रण एक नए तरीके से करता है। वेलम प्राइम के उपयोग के बाद नेमेटोड सुई के आकार में आने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। इलाज के प्रथम लक्षण उपयोग के आधे घंटे बाद नजर आने लगते हैं। रैडोफोलस सिमिलिस या मेलोइडोजिन एसपीपी नेमेटोड पर वेलम प्राइम का असर होते ही वो सुस्त हो जाते हैं और एक से दो घंटे में निष्क्रिय हो जाते हैं। बायर का वेलम प्राइम आपकी फसल की सुरक्षा लंबे समय तक करेगा, इसलिए इसका निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल आवश्यक रहता है। वेलम प्राइम के इस्तेमाल से फसल के उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी होती है और किसान को निवेश पर बेहतर प्रतिफल मिलता है। आप देख सकते हैं कि सुझाए गए समय, मात्रा और उपयोग करने के सही तरीके से वेलम प्राइम का नेमेटोड नियंत्रण में बेहतर प्रभाव होता है। प्रयोग की विधि। वेलम प्राइम का अधिकतम फायदा लेने के लिए इसके उपयोग के दौरान बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सही प्रयोग मात्रा को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। चूंकि नेमेटोड पौधों की जड़ों के आसपास ही रहते हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वेलम प्राइम जड़ों के पास अच्छी तरह से पहुंच जाए। सबसे बेहतरीन तरीका है ड्रेन सिंचाई या ड्रिप सिंचाई। यदि आप ड्रेन सिंचाई का प्रयोग करते हैं,
सबसे पहले ध्यान दें कि वेलम प्राइम के प्रयोग से पहले जमीन में नमी आवश्यकता के अनुसार हो, पर ध्यान रहे जमीन नम हो, ज्यादा गीली नहीं। अगला काम है वेलम प्राइम को पौधे के तने के आसपास एक गोलाई में लगाना। ध्यान रहे कि वर्तमान जड़ के क्षेत्र और भविष्य में बढ़ने वाले जड़ों के क्षेत्र को भी आप अच्छी तरह से ढंक लें। अंत में जरूरत के मुताबिक पानी का छिड़काव करें ताकि वेलम प्राइम पौधे के जड़ क्षेत्र में अच्छी तरह पहुंच जाए। लंबे समय तक बचाव के लिए जमीन में सही मात्रा में नमी होना जरूरी है ताकि वो वेलम प्राइम को जड़ क्षेत्र में व्यवस्थित रख पाए। अब आप निमेटोड के हमले से सुरक्षित हैं। ड्रिप सिंचाई। यदि आप ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करते हैं तो ड्रिपर को पौधों के पास और उनकी सीध में लगाना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी ड्रिपर में बराबर बहाव हो। ये समय समय पर जांचते रहें। जांचने के बाद वेलम प्राइम को लगाना शुरू करें। पर पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जिस मिट्टी में वेलम प्राइम डालना है उसमें पर्याप्त नमी हो। ये पौधे पर सूखे के दबाव को कम करने और वेलम प्राइम को सही तरह से वितरण के लिए जरूरी है, इसलिए पहले ड्रिप सिस्टम से मिट्टी को नम कर लें। पर याद रहे कि मिट्टी नम रहे, गीली नहीं। पानी डालने के बाद ड्रिप सिस्टम से वेलम प्राइम को डालिए। ध्यान रहे कि भविष्य में आने वाली जड़ों का क्षेत्र भी ढका हुआ हो। वेलम प्राइम लगाने के बाद पानी जरूर डालें ताकि वेलम प्राइम जड़ों के क्षेत्र में अच्छी तरह से पहुंच जाए। अब आप निमेटोड के हमले से सुरक्षित हैं। ध्यान रहे कि आप अधिकतम लाभ पाने के लिए बताई हुई बातों का पालन करें, क्योंकि अगर वेलम प्राइम जड़ों तक सही तरह से नहीं पहुंच पाता या मिट्टी में अत्यधिक नमी की वजह से वो बह जाता है तो नियंत्रण सही तरह से नहीं हो पाएगा। प्रयोग मात्रा। वेलम प्राइम को प्रति एकड़ 500 मिलीलीटर की मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। याद रहे, वेलम प्राइम नेमेटोड का नियंत्रण एक नई कार्य प्रणाली से करता है। ये इस्तेमाल के 30 मिनट के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और पूरे फसल मौसम में नियंत्रण प्रदान